हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक स्वीट डिश। ये है अंडे के हलवे की रेसिपी। अंडे का हलवा सबको बहुत पसंद होता है और ये बहुत ही जल्दी बन भी जाता है और बहुत ही यमी लगता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। अंडे का हलवा बनाने के लिए मैंने लिए हैं 20 अंडे। तो 20 अंडे को मैं सबसे पहले क्रैक कर लूँगी एक कढ़ाई में, एक या फिर एक पैन आप ले लें, उसमें सब अंडों को तोड़ लें। ये देखिए मैं इसको तोड़ रही हूँ और इसको एक विस्कर की हेल्प से विस्क कर लेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। सब बड़े बच्चे सब खाते हैं इसको शौक से, और सबसे बड़ी चीज़ बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए मैंने सारे अंडों को फेंट तोड़ लिया है। अब मैं इसको विस्कर की हेल्प से विस्क कर लूँगी। ये देख लीजिए आप लोग, मैं इसको विस्क कर रही हूँ, लेकिन मैंने अभी तक इसको फ्लेम पे नहीं चढ़ाया है। अब मैं इसको एक लिक्विड फॉर्म में ले आऊँगी। ये देखिए ये एक लिक्विड बन चुका है, पूरे अच्छे से फिट गया है अंडे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी शुगर। मैं इसमें 1 किलो शुगर डालूँगी, 1 किलो शक्कर डाल रही हूँ। 20 अंडे के लिए 1 किलो काफ़ी होता है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो फिर आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैं इसको भी इसमें ऐड कर लेती हूँ और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए शक्कर अच्छे से मिक्स हो रहा है इसमें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी खोया। बिना खोए के हलवा कैसा लगेगा, तो खोया तो ऐड करना बनता ही है। मैं इसमें 1 किलो खोया ऐड कर रही हूँ। आप भी इसको इतने ही क्वांटिटी में ही ऐड करें और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि गरी का बुरादा। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है और बहुत ही सॉफ्ट हमारी हलवा होगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून देसी घी। बिकॉज अंडे ज़्यादा घी नहीं लेता तो इसलिए 2 टेबलस्पून काफ़ी है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर। ये ऑप्शनल है बट इसको ऐड करने से कलर अच्छा होता है। और इन सबको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ड्राई फ्रूट्स है, आप अपने चॉइस से ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। 15 से 20 काजू, 15 से कुछ पिस्ते किशमिश और 15 से 20 काजू बादाम, सारे ड्राई फ्रूट्स आप अपने चॉइस से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ये देखिए ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये अंडे के मिक्सचर को मैंने फ्लेम पर चढ़ा दिया है और अच्छे से इसको हमें कुक करना है। और जो ड्राई फ्रूट्स थे उनको, काजू बादाम पिस्ता को हम लोग ग्राइंडर में डाल के एक पाउडर बना लेंगे, पर उसको अभी नहीं डालेंगे, उसको हम लोग बाद में डालेंगे। और ये देखिए हलवा बन रहा है, अच्छे से कुक होने लगा है। पूरा जो इसका लिक्विड था अब ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है। ये देख सकते हैं आप लोग कितनी जल्दी बना है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। आप इसको ज़रूर बनाइए। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छा बनता है। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर पाउडर बनाया था, काजू बादाम पिस्ता, और मैंने इसमें इलायची पाउडर भी मिक्स करके पीस लिया था, इसको हम लोग इसमें हलवे में डाल देंगे। किशमिश को भी डाल देंगे। कुछ पिस्ते मैंने रख लिए हैं जो हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कटा गरी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ केवड़ा वाटर, तो इसको भी मैं 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी। सो ये देखिए हलवा एकदम रेडी है, एकदम गर्मा गर्म हलवा सबको सर्व करें, मेहमान को खिलाएं अपने घर पे, सब लोग तारीफ करेंगे आपकी, बच्चे बड़े सब खाएंगे शौक से। एक हेल्दी सा टेस्टी सा हलवा रेडी है। तो चलिए अब इसको हम लोग गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए मैंने एक बोल लिया है और उसमें ये हलवा निकालूंगी और इसको पिस्ते से इसको गार्निश कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, क्या कलर आया है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, सबको बहुत पसंद आएगा। मैं मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब मेरी इस वीडियो को पसंद कर, अगर आपको पसंद आई है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।